नमस्ते किसान भाइयों, आज हम हैं बाड़ू भाऊ जामरे के यहाँ पे, गांव नाड़गांव, जिला जलगांव जामोद, जलगांव खानदेश, महाराष्ट्र में है, तालुका बोदोड़। और ये जो चंदन आप देख रहे हैं, ये इन्होंने इनके खेत में 265 पौधे चंदन के लगाए हुए हैं। और आज हम हमारी टीम के साथ में, जीके बायोटेक टीम के साथ में, चंदन की साइड कटिंग किस तरीके से करना है जो सही है उसके खोड़, मतलब ट्रंक के ग्रोथ के लिए, और कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर फोकस करिए, मेन जो चीज़ है हम बचपन से सुनते आए हैं, जो हमको हमारे टीचर सिखाते थे कि कोई भी वनस्पति जो होती है उसके जो पत्ते होते हैं ना, वो उसका रसोई घर होता है। पत्तों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से ये अपना खुराक बनाता है और फिर डिवाइड करता है जहाँ पर उसको ज़रूरत है। अब चंदन, स्पेशल चंदन में हमको किस तरीके से कटाई करना है और कौन सी डाली रखना है, कौन सी काटना है, तो मेन जो हमको प्रॉफिट दे रहा है वो है ये मेन तना, जिसको ट्रंक थड बोलते हैं, जिसको ये है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से दो हो गए हैं, तो हमको क्या करना है, उसमें एक ही थड ट्रंक रखना है और उसको इस तरीके से दिशा देना है कि शुरुआत से लेके अंत तक जो भी डालियाँ हैं उसकी सपोर्ट में रहें, उसके खोड़ को, मेन थड़ को डाइवर्ट ना करें और उसके ग्रोथ में नुकसान ना करें। तो हम देख सकते हैं कि एक ये जो है सीधा जा रहा है, ये भी है, ये पतला है थोड़ा, तो हमको एक ही रखना है। तो इसको हम नज़दीक लाइए ज़रा, इस तरीके से ये दूसरा जो थड़ बना रहा है वो जो नुकसानकारक है इसके ग्रोथ में, उसको हम काटेंगे। देखिए अब ये है, ये एक हो गया दोनों में से, ये जो डालियां हैं ये नुकसान करने वाली नहीं, पतली पतली दोनों तरफ की डालियां हैं जो नुकसान नहीं कर रही हैं। अब हम आगे चलेंगे, अब आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी दो तने हैं, ये देखिए ये डाइवर्ट कर रहा है इसके ट्रंक को, ये मेन ट्रंक है, यहाँ से दो बन गए हैं। तो हमको देखना है कि सही कौन सा है, मोटा कौन सा है और सही दिशा में कौन सा जा रहा है। तो दूसरे को हमको थोड़ा ट्रिम करना है, एक तो ये ट्रिम होगा और एक ट्रिम ये होगा। अब छोड़िए इसको, अब देखिए अब ये जो मेन बन गया, इसमें सिर्फ कटिंग हमको दिशा देने के लिए ही करना है। वेजिटेटिव ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा उतना इसका ट्रंक मोटा बनेगा और अच्छा बनेगा, जितना वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा होगा उतना ही ये तंदुरुस्त रहेगा। अब हम आगे चलेंगे कि ये मेन ट्रंक जा रहा है, ये डाली इसको ओवरटेक कर रही है, ये थोड़ा माइक्रो लेवल का कटिंग है, हम इसको थोड़ा हल्का कर देंगे और इसको बुशी बनाने की कोशिश करेंगे हम, जो ऐसे एकदम घना होना चाहिए। हमको सिर्फ इसको दिशा देना है। चंदन एक ऐसा मामला है जिसमें जितने मुंह से सुनेंगे ना उतनी अलग अलग बातें आपको सुनने को मिलेगी। अब ये जो हमने है, एक सामान्यतः सिर्फ जो मेन ट्रंक को नुकसान कर रहा था उतना ही कटिंग किया है, ये जो है उसको हमने सीधा जाने देने के लिए कोशिश की है, बाकी सारा का सारा फाल वैसे का वैसा है। तो ये एक कटिंग करके दिखाया और हम दूसरा एक पेड़ कटिंग करके दिखाएंगे, तो ये समझने वाली बात है कि ज़्यादा कटिंग नहीं करना है, सिर्फ उतना ही कटिंग करना है जितना इसको, इसके खोड़ को वृद्धि देने में, विकास देने में डिस्टर्ब कर रहा है, बाधा कर रहा है। धन्यवाद।